अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। अभी मैं आप लोगों को ये कल का जो वीडियो है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखना इसको, हर एक एक की जो है रियल बात बताऊँगा इसमें, कोई बनावटी बात नहीं, कोई सुने सुनाए नहीं, जो मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है वो बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग देखे को आप ही लोगों को फ़ायदा होगा उससे, मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, ओके। अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये जो भी है यहाँ दुबई आने के लिए आप लोग अगर सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, कमाना चाहिए, ठीक है। अब मैं पूरा कर रहा हूँ वहाँ से, जैसे कि आप चलेंगे इंडिया से, कोई भी बंदा के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो दुबई जाना हो, चाहे कोई भी गल्फ कंट्री, कहीं भी जाना रहे आपको, कहीं भी जाना हो आपको गल्फ कंट्री में, तो फ्लाइट से ही जाएंगे ना। तो फ्लाइट का जो है, सबसे पहले आप क्या करना कि जब एयरपोर्ट पर आप लोग पहुंचोगे तो ऐसा कोई भी सामान मत रखना आप लोग अपने पास की जिससे प्रॉब्लम झेलना पड़े अंदर, ठीक है। अंदर कोई भी आदमी आपको कोई सामान देगा कि ये थोड़ा मेरा देख लो, थोड़ा मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में 5 मिनट में, नहीं आने का, क्योंकि वो हर चीज़ उनको मालूम रहता है कब क्या हो जाएगा, इसलिए वो किसी के हाथ में पकड़ा के निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर बच गया तो फिर वो आपसे आके ले लेंगे, अगर फंस गए आप तो फिर वो सामने भी नहीं आएगा बंदा वो आपके, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी के कहने पर कुछ मत छूना, ठीक है। अब आ जाओ कि अंदर जब जाओगे आप लोग तो एयरपोर्ट के अंदर जब इंट्री करोगे आप तो गेट पर टिकट पासपोर्ट सब हाथ में रखो, और जैसे एंट्री करोगे अंदर तो वहाँ 500 लाइन लगा रहता है, आपको नहीं समझ में आएगा कि हमें कौन सा लाइन में खड़ा होना है। तो वहाँ आपको चुप नहीं रहना है, भक्कू नहीं बनना है, और से अनजान में कहीं भी लाइन में खड़ा नहीं हो जाना है आपको, ठीक है। अनजान में खड़ा हो जाओगे टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका, इसलिए आप क्या करना वहाँ पे, किसी से फटाफट पूछने का कि सर ये टिकट मेरा है और ये एयरलाइंस है, एयरलाइंस का नाम तो मालूम रहेगा आपको, एयर इंडिया हो चाहे कोई भी हो, तो ये दिखा देना उसको, वो फौरन बता देगा। वहाँ के स्टाफ से पूछो जो बैच लगा के खड़े रहते हैं वहाँ पे, उनसे पूछो, आम आदमी से मत पूछो, जिसको नहीं मालूम रहेगा वो भी बोल देगा ये लाइन में लग जाओ, वो अपना इंसल्ट होने के डर से वो झूठे बोल देगा, बोलेगा इधर लग जाओ, ये नहीं बोलेगा कि नहीं मालूम है, बोलेगा हाँ ये लाइन है वो लाइन है, ऐसे बोल देगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो स्टाफ से पूछोगे तो सही बताएगा, उसमें 50 स्टाफ घूमते रहते हैं सब एयरलाइंस वाले, किसी से भी पूछ लो कि ये कौन सा लाइन में खड़ा हो जाऊँ मैं, ठीक है। फिर वहाँ जाओ, जैसे आपका नंबर आए काउंटर पर जाने के लिए तो आप क्या करो कि जैसे टिकट पासपोर्ट दो उसके हाथ पे काउंटर पर, अगर आपको विंडो सीट लेना है तब, नहीं विंडो सीट लेना है तो कोई बात नहीं, उसके हाथ में दे दो टिकट पासपोर्ट, जहाँ आपका नसीब में रहेगा सीट वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन विंडो सीट चाहिए तो जैसे उसके हाथ में आप दोगे वैसे उसको बोलना पड़ेगा कि सर प्लीज़ आप मेरे को विंडो सीट चेक करके दे दीजिएगा ना, ऐसा उसको इंडिकेट कर देने का, मतलब एक्सक्यूज करके, ये नहीं कि ऑर्डर नहीं देने का, मेरे को ये दे दो यानी विंडो सीट दे दो, ऐसा नहीं बोलने का, नहीं देगा, खाली भी रहेगा तो नहीं देगा, रिक्वेस्ट करने का, मैडम हो चाहे जेंट्स हो, मैडम दे तो मैम बोलो उसको, ठीक है। बारिश चालू हो गया अभी दुबई का, यही अभी शुरू हो गया, पहले जैसे नहीं है, अचानक कभी भी बारिश आ जाता है, अभी देखो बारिश चालू हो गया, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा विंडो सीट, लेकिन टिकट, जैसे टिकट और पासपोर्ट दोगे आप उसके हाथ में, उसी टाइम बोलना पड़ेगा आपको, तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बारिश चालू हो गया है, मैं एक जगह दुकान के नीचे खड़ा होकर के मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। अचानक बारिश चालू हो गया है तो मैं यही बोल रहा था, मान लीजिए आपको मिल गया विंडो सीट, फिर वहाँ से आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा, फिर आपको 2 घंटे का टाइम रहता है, 2 घंटा 1.5 घंटा पहले बोर्डिंग कार्ड मिल जाता है, ठीक है। और कभी भी सामान ज़्यादा लेके मत जाया करो आप लोग, दिक्कत होता है, अगर 1 किलो भी बढ़ जाएगा ना तो आपसे निकलवा देगा, या तो फिर आपसे 1000 रुपया मांगेगा किलो पर, 1000 रुपया। और जब यहाँ से जब आप लोग वापस इंडिया जाते हैं आदमी, तो किलो पर 1 से 10 दरहम लगता है, 1 से 10 दरहम का हो गया 2500 रुपया तो भरना पड़ता है, इसलिए सब पर ध्यान रखा करो आप लोग, जितना लिखा रहे आपके टिकट में उतना ही लेके जाया करो, उससे ज़्यादा ले जाओगे पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब घर से आप लोग चलो
तो आप लोग वहाँ से कपड़ा उपड़ा अपना पूरा ले लो, और एक बेडशीट और एक चादर ओढ़ने के लिए ज़रूर लेकर आओ वहाँ से, क्योंकि कभी कभी फ़्लाइट लेट हो जाती है, एयरपोर्ट में आपको ठंडा लगेगा, क्या करोगे फिर, वो रहेगा तो आप कोई भी काम में आ सकता है, ओढ़ सकते हो उसको, नहीं रहेगा तो ऐसे आदमी कांपते रहता है। फिर यहाँ भी आओगे तो आते आते कंपनी आपको बेडशीट वगैरह चादर वगैरह कंबल वगैरह नहीं देती है, जब तक आपको काम नहीं मिलेगा, जब तक आपको अपना ही यूज करना है, तो फिर यहाँ आओगे जो एजेंट बुलाया रहेगा चाहे जो ऑफिस वाला भेजा रहेगा, तो उसके रूम पे जब रहोगे आप, तो रूम पे रहोगे तो वही पुराना धुराना वो लोग कंबल देते हैं और मैट्रेस देते हैं नीचे बिछा के सोने के लिए, ठीक है। तो आपका चादर रहेगा तो आप पुराने पर भी बिछा सकते हो, आपका चादर रहेगा तो ओढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसलिए चादर एक बेडशीट लेके आना ज़रूरी है। फिर खाने पीने के लिए वहाँ से सामान लेके चलो आप लोग, खाने पीने का सामान चूड़ा उड़ा रख लो, ठीक है, चूड़ा उड़ा रख लो आप, तो चूड़ा तो ख़राब होने वाला चीज़ है नहीं, कम से कम एक टाइम आपको सुबह का नाश्ता कर सकते हो। दही मिलता है यहाँ दुकानों में, दही का डब्बा मिलता है यहाँ पे, एक दरहम में दो दरहम का भी है, अलग अलग रेट का है, सब सब कंपनी का अलग अलग है, ठीक है। तो मान लो दही खरीद लिए, चीनी रखोगे मिला के खा लेने का, आप लोगों को फैसिलिटी के लिए बता रहा हूँ कि बाद में आप लोग टेंशन में मत आओ, यहाँ के लोग फंस जाते हैं, फिर खाने के लिए पैसा नहीं रहता है, लाते हैं पैसा आप लोग 200-300-400 दरहम लाते हो, और कैसे निकल जाएगा 200-300-400 दरहम आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि खाना महंगा है यहाँ पे। महंगा का मतलब क्या, एक टाइम में 20-25 दरहम लग जाएगा आपको, 2-3 टाइम खाए तो 50 दरहम डेली जाएगा आपका, फिर क्या करोगे। तो उसके लिए वो बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको कि यहाँ पे ये बंगालियों का होटल ढूंढो, किसी से पूछ लेने के कि बंगाली का होटल किधर है, जगह जगह पर है बंगालियों का होटल, तो बंगाली के होटलों में क्या है ना, खाना सही मिल जाएगा आपको और सस्ता मिल जाएगा, आप उसमें 5 दरहम में भी खाना खा सकते हो बंगाली के होटल में 5 दरहम में भी और 10 दरहम में भी, चिकन मटन जो चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी होटलों में जाओगे तो 20 दरहम 25 दरहम 30 दरहम से कम नहीं लगेगा, कितना भी कम लगेगा, तो बाकी होटलों में जाओगे तो केरला वाले होटल में जाओगे तो 15 दरहम से कम नहीं लगेगा, वो भी खाना टेस्टी नहीं रहेगा उतना, लेकिन बंगालियों में जाओगे तो अपना इंडिया जैसे उनका खाना रहता है बांग्लादेशी लोगों का, तो आदमी मिला जुला के खा लेता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि एक टाइम में 5 दरहम के खा रहे हो कि 10 दरहम के खा रहे हो कि 50 दरहम के खा रहे हो, आपका जैसा बजट रहेगा खाओ पियो, ओके। चलो आगे, अब खाना पीना तक बता दिया मैंने, बेडशीट वगैरह चादर का बता दिया कि कहाँ यूज आएगा, नाश्ते के लिए बता दिया, चिवड़ा लेके आओ, भूंजा लेके आओ, कुछ नमकीन लेके आओ, खस्ता लेके आओ, कुछ भी लाओ रखो, इतना कि जब तक आपको जॉब ना मिले तब तक आप एक टाइम दो टाइम उससे गुजर कर लो, नहीं तो आपका पैसा लगते रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अब काम कैसे ढूंढा जाता है यहाँ पे, तो यहाँ दो जगह है जो कि बहुत बदनाम हो चुका है, आजमान में हर कदम पर एजेंट मिलेंगे, वो भी 420 सब मिलेंगे, ठीक है, 420 जो उसमें अच्छे भी हैं वो भी बदनाम हो चुके हैं, तो इसलिए आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, इसलिए आजमान ऐसा एरिया में मत रहो आप लोग, क्योंकि आप कितना भी बचोगे कालिक के कोठरी में जाओगे तो कालिक तो लगेगा ही आपको, इसलिए रहना होगा तो कल मैं वीडियो में बता दिया हूँ कहाँ रहना है, इधर देहरा में आ जाओ, अबू बकर सिद्दीक स्टेशन उतर जाओ, वहाँ सब डिटेल दिया हूँ पहला वीडियो में, उसमें देखो, इधर एजेंट फेजेंट नहीं है, इधर वही लोग रहते हैं जो मतलब सर्विस कर रहे हैं पहले से, वही लोग रहते हैं, और जो नए लोग आते हैं वो आकर रहते हैं इधर, जिनको मालूम है वो, जिसको नहीं मालूम है वो सीधा जाता है सरजा, सीधा जाता है आजमान, तो वहाँ सब चोरों का बाजार है सब, आप कितना भी बचोगे आपको फंसा ही देंगे बातों में, चिकनी चुकड़ी बात करके आपसे पैसा ले ही लेंगे, जॉब नहीं दिला पाएंगे, आप फंस जाओगे, ठीक है। अगर कोई भी एजेंट आपसे पैसा पहले मांगे तो नहीं देना है, ठीक है। अगर ऑफर लेटर भी दे रहा है फिर भी उस पर यकीन नहीं करना, ऑफर लेटर पर कब यकीन करना आपको, जब आपको कोई कंपनी वाला आपको आपके सामने हेड ऑफिस में बना के दे रहा है ऑफर लेटर, तब उस पर यकीन करना है, नहीं तो यहाँ ऑफर लेटर भी बनाते हैं सब फेक बना के आपसे 2000 जो बात किया रहेगा ना कि 2000 चाहिए, 2500 चाहिए, 1500 चाहिए दरहम, वो ले लेंगे आपसे, फिर आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, फिर रोते गाते रहोगे, ठीक है। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ये बारिश बहुत तेज़ हो गया, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ चलिए मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको, जैसे ऑफर लेटर के मैं बता दिया
हेड ऑफिस में मिले तो उस पर यकीन करो। आपको रूम में बैठा करके या कोई बोलता है आपका एजेंट कि हम ठीक है मैं कंपनी से ऑफर लेटर ला के दे रहा हूँ, वो सब फेंक रहता है, ठीक है, वो सब बातों पर यकीन नहीं करने का, पैसा नहीं देने का, ठीक है, बोलने का चलो जॉब पे लगाओ मेरे को फिर दूंगा पैसा, ठीक है। तो ये आपको हो गया ट्रिक, मैं समझा दिया आपको। दूसरी बात कि यहाँ वो घूमते रहते हैं, जैसे आप दिन भर तो काम धंधा है नहीं तब कहाँ बैठोगे, लोग गार्डन वार्डन में बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ सब विजिटर लोग बैठते हैं जो यहाँ फंसे फंसाए हैं, वो अपना 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 दुखड़ा सुनाते हैं, सब अपना दुखड़ा सुनाएंगे एक दूसरे को। उसी में एजेंट तीन तरह के चलते हैं यहाँ पे, एक तो जॉब दिलाने वाला आएगा जो आपको फंसा के पैसा कमा लेगा, दूसरा एजेंट वो आएगा जो कि यानी गोल्ड जो यहाँ से पार्सल भेजते हैं वो लोग इंडिया वगैरह, तो उसका एजेंट घूमते रहता है। उसको क्या फ़ायदा है उस एजेंट को, उसका जो मेन हेड जो होता है ना जो भेजने वाला, वो एजेंट छोड़े रहता है दो चार कि जाओ डेली 10-15 बंदे को लाओ फंसा फंसा के, अब वो आके आपके बीच में बैठ जाएगा, कहीं आप गार्डन वार्डन में बैठे हो मुंह सुखा के बैठे हो, वो आ करके धीरे से पहले आपका माइंड देखेगा किस टाइप के हो, फिर उसके बाद बोलेगा कहाँ आए थे, जॉब पे मिला जॉब नहीं मिला, आप बोलेंगे नहीं नहीं जॉब तो नहीं मिला, बहुत परेशान हूँ, परेशानी सुनाओगे वो अपना दिलचस्पी दिखाना चालू कर देगा आपके पास, ऐसा लगेगा कि कोई सग्गा है आपका, यहाँ तो कोई सग्गा भी नहीं पूछता है, तो वो आपको पूछ रहा है तो आपको डाउट करना चाहिए ना, यहाँ तो अपना सग्गे नहीं पूछते हैं यहाँ पे कोई, ठीक है, वो आपको इतना हमदर्दी दिखा रहा है तो वहीं समझ जाना चाहिए कि ये गड़बड़ करेगा कुछ। फिर आप बोलोगे हाँ तो फिर क्या करना चाहिए, बोलेगा अरे यार यहाँ का नियम बहुत ख़राब हो गया है, अभी तो नेक्स्ट वीक से ये नियम लग गया आने वाले नेक्स्ट वीक में कि जिसका वीज़ा खलास हो जाएगा ख़त्म हो गया उसको जेल जाना पड़ेगा, फिर वो हमेशा के लिए बैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डराएगा, अब आप डर जाओगे, पहले से तो परेशान हो ही आप और वो डराएगा आपको, ठीक है, तो फिर बोलोगे क्या करना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा ऐसा करो मैं इंडिया वाला हूँ तुम भी इंडिया वाला हो, इसके नाते मैं तुमको सोच रहा हूँ कि मैं तुमको हेल्प कर दूँ, तो आप बोलोगे हाँ कैसे, तो क्या बोलेगा फिर आपको कि ऐसा करो अभी टाइम है तुम्हारे में एक दो दिन वीज़ा खलास होने में, तुम निकल जाओ इंडिया नहीं तो फंस जाओगे, चलो हम एक है एक बंदा उसे मिला देता हूँ, आपको टिकट भी दे देगा जाने के लिए खर्चा भी दे देगा आपको, तो उसका बस इतना ही करना है कि एक पार्सल है लेते जाना, बैग है लेके जाओ, तो आप बोलोगे नहीं उसमें कुछ होगा गड़बड़ में फंस जाऊँगा, आप बोलने के लिए तो बोलोगे ना बात ये, वो बोलेगा अरे सब चेक कर लेना कुछ भी नहीं है, ऐसा विश्वास दिला देगा आपको और आपको लेके जाएगा, वहाँ लेके गया सिर्फ आपको एंट्री करा देगा उसके ऑफिस में, वो स्मगलर के ऑफिस में, तो उसको 1,000 दरहम एक आदमी पर मिलता है, 1,000 दरहम जितने इंडिया से चाहे कहीं से भी लोग भेजने के लिए एजेंट होते हैं ना इधर, उससे ज़्यादा एजेंट यहाँ से हैं भागाने वाले, जो लोग आते हैं ना उसमें से 75% लोग भागते हैं डराने से, डरा के भगा देते हैं लोग कि जॉब नहीं मिलेगा भग जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यों वो भगाएगा तो उसको 1,000 दरहम मिल रहा है और 2 घंटे का मेहनत किया उसको 1,000 दरहम मिल गया, लेकिन वो कब्र में भी जाएगा तो उसको कितनी उसकी सजा होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि एक आदमी अपना ज़मीन बेच के क्या करके कहाँ से पैसा ला करके वो इधर आया और उसको ये झूठ बोल करके उसको भगा दिया यहाँ से 1,000 दरहम कमाने के लिए, 1,000 वो कमाएगा वो ले जाके सिर्फ वहाँ वो स्मगलर के पास मिला देगा आपको, ठीक है, वहाँ मिलाया उसका 1,000 दरहम बन गया, दिन भर में अगर 10 भी कस्टमर किया तो उसको 10,000 दरहम बन गया। ऐसे हम कितने को जानता हूँ पर्सनली कि ऐसे ऐसे कमाते हैं, लेकिन वैसे लोगों पर थू है, थूकना चाहिए ऐसे लोगों पर जो ऐसा करते हैं, दूसरे का रोजी रोटी मार के अपना रोजी कमाते हैं, ठीक है, चलो जाने दो, आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए कि ऐसा कोई भी बोले आपको कि चलो ये सामान ले जाओ तो नहीं तैयार होने का, दूर रहने का, सीधा बोल देना चलो ठीक है हम फंस जाएंगे, लेकिन वो सामान लेकर नहीं जाने का, क्यों कि उस बैग में इतनी सामान रखे रहेंगे ना, और कौन सा सामान में क्या पार्ट्स में कौन सा चीज़ डाले रहेंगे, गोल्ड डाले रहते हैं, लिक्विड भी रहता है उसका
पाउडर बना के डालते हैं, कितने तरीका नए नए तरीके अपना के वो डालते हैं, जब कस्टम ऑफिसर नहीं पकड़ पाते हैं जल्दी, तो आपको क्या समझ में आएगा। बैग खोल के भी आपको दिखा देगा, वो पूरा बैग खोल के दिखा देगा आपको कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है। आप खुशी खुशी से ले लोगे कि चलो भाई हमको टिकट दे दिया इंडिया जाने के लिए, ऊपर से 2-4 हज़ार रुपये भी खर्चा दे दिया। उसने आपसे भेजा है करोड़ों रुपये का गोल्ड, आपके पीछे अगर 20 हज़ार रुपया खर्चा भी कर दिया, तो 1 करोड़ का माल तो उसका आप लेके जा रहे हो, वहाँ पकड़े जाओगे तो आप पकड़े जाओगे, बच गए तो उसका माल हो गया। और वो कस्टम ऑफिसर लोगों से, उन लोगों का सब सेटिंग रहता है, तो बहुत बार तो माल निकल जाता है। अगर टाइम टू टाइम फ्लाइट गई, अगर वो ऑफिसर टाइम टू टाइम वो उस टाइम में जॉब पर रहा, तब आदमी कब पकड़े जाता है, जबकि फ्लाइट चेंज हो गया या लेट हो गई तो ऑफिसर का ड्यूटी चेंज हो गया, उस टाइम पकड़े जाते हैं लोग, फिर केस बनेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये सब नहीं छूनेगा किसी के भी सामान, ओके, सीधा मना कर देने का, नहीं हमें नहीं जाना है, मेरे को फ्री को टिकट नहीं चाहिए, सीधा मना कर दो। जब आपका चाचा मामा काका जब टिकट नहीं देगा यहाँ पे, तो दूसरा आदमी आपको टिकट दे रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों टिकट दे रहा है वो। ठीक है, 100 बात का एक ही बात समझने का। हाँ, ये हो गया इसे बचने के लिए, गोल्ड वाले लोगों से जॉब वाला बता ही दिया। ठीक है, अब आप आ जाओ लोन वाला, यहाँ पे लोन का भी बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, बहुत धड़ाले चल रहा है, हज़ारों लोग जेल में बंद हैं, जब तक वो पैसा चुकाएंगे नहीं, घर द्वार बिकेगा उनका, आएगा देंगे तब वो जाके छूटेंगे। ठीक है, अभी न्यूज में देखना, अभी बीच में 900 लोग को मतलब ये किया गया, पकड़े गए हैं, 900 आदमी पकड़े गए हैं, यही सब गोल्ड इसमें बैंक वाला में। उसका क्या करते हैं, उसका भी एजेंट होता है, उसका क्या काम है, बैंकर से मिला हुआ है, वो बैंकर से मिला हुआ है, और नए लोग आएंगे विजिट पे, पढ़े लिखे रहोगे आप, आपको कंप्यूटर वाला काम में रखेगा या कोई अच्छा काम में आपको बता के अच्छा सैलरी भी देगा आपको, क्योंकि उसको मालूम है 2-3 महीना ही सैलरी देना है, क्योंकि वो सिस्टम है ना, 2-3 महीने का सैलरी जब तक नहीं दिखाएगा, जब तक वो लोन नहीं होता है ना, तो आपके जब एग्रीमेंट कराएगा ना, वो एग्रीमेंट पेपर के नीचे दबा के रखा रहेगा, वो बैंक वाला पेपर, उस पर भी आप साइन कर दोगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो चुप रहोगे कि अरे अच्छा खासा काम मिल गया मेरे को, क्यों ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा, तो मेरे को नहीं देगा जॉब, निकाल देगा, ये सब जॉब निकाल दे, लेकिन फंसोगे तो नहीं, सब चेक करके तब साइन किया करो आप लोग, ओके। लोन आपके ऊपर से ले लेगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख दरहम उसको मिल जाएगा, उसमें से कुछ बैंकर भी खाएगा, कुछ वो खाएगा, आपको भी 2 महीने का सैलरी दे देगा, जो बात किया रहेगा उतना, बाद में आपको बोलेगा कि जॉब अब नहीं है, आप जाओ अपना कहीं काम ढूंढ लो, जब उसका मतलब निकल गया आपको हटा देगा। जब आप सोचोगे कि अब हम इंडिया जाए, चाहे जहाँ से आए हो वहाँ जाना चाहोगे, फिर आपको एयरपोर्ट पर पकड़ा जाएगा, या तो बैंक वाला उससे पहले ही आपको पकड़वा लेगा, फिर जेल में जाना पड़ेगा, आपको पैसा मंगा के देना पड़ेगा, ये सब बहुत चल रहा है, इसलिए आप लोग ये सब पर ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये सब तीनों बताया हूँ, ये सब पर ध्यान रखो। ठीक है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही लीगल और किसी को गला काट के, किसी को फंसा के, किसी को रोला के ऐसा नहीं कमाया जाता है, लेकिन जिसका नेचर ही ख़राब है वो तो कैसे भी कमाएगा, उसको पैसे से मतलब है, सिर्फ उसको पैसा आ रहा है, आप ज़मीन बेच के आए हो कि क्या बेच के आए हो कि बीवी के गहना बेच के आए हो, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है कि उसको अपना मतलब सीधा हो रहा है बस, इसलिए आप लोग बी केयरफुल रहो हर बात पे। ठीक है, चलिए अब आगे, अब बता रहा हूँ यहाँ का काम करने का सिस्टम बता रहा हूँ आपको, कि काम जब करने के लिए, जब जॉब मिल जाए, जब कंपनियों में जाओ काम करने के लिए आप लोग, तो यूनियनबाजी नहीं किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ भी सियासत चलता है, जैसे जिस कंपनी में गए, तो आजकल तो 90% कंपनियों में मेस हॉल नहीं है। ठीक है, मेस हॉल नहीं है 90% कंपनियों में, 200 दरहम मिल जाता है खाने के लिए पर हेड वर्करों को। ठीक है, अगर 4 आदमी आप लोग एक साथ हो तो बनाओ खाओ अपने से, वो बनाने के लिए भी सिस्टम समझा दे रहा हूँ, अलग अलग बना के खाओगे तो 200 दरहम में आपका पूरा नहीं होगा, घट जाएगा, कम पड़ जाएगा, इसलिए 4 आदमी 5 आदमी मिलकर ग्रुप में बनाओ,
अगर 200 रुपया अगर मिला 200 दरहम तो 800 दरहम हो गया। 800 दरहम में से क्या करो, 100 दरहम का बर्तन खरीद के लाओ, 100 रुपये में पूरा मिल जाता है यहाँ, ठीक है, पूरा सेट मिल जाएगा, बर्तन प्लेट स्लेट सब, और 100 रुपये का राशन लाओ एक हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे घटते जाए वैसे ऐसे लाओ, तो आराम से आप लोग 150-150 रुपये आएगा महीने का, 50 रुपये पॉकेट खर्चा बचेगा, मोबाइल वोबाइल का रिचार्ज करने के लिए भी हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर काम पर जब जाओ, अगर किसी में अगर कंपनी में मेस हॉल है तो मेस में खाना अच्छा नहीं मिलता है, अब आप सोचोगे घर जैसा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो पुराने जो रहेंगे वो चढ़ाएंगे आपको, बोलेंगे अरे यार जब से तुम लोग आए हो ना तभी से अभी जाके खाना बिगड़ा ही है, नहीं तो पहले बहुत अच्छा खाना मिलता था, अब आप जोश में आ जाओगे, जोश में आओगे फिर हल्ला गुली करोगे, वो सिखाएगा वो अपना रोटी सेकने के लिए कि नए लोग हैं, आप लोग झगड़ा करोगे इसलिए कि भाई खाना अच्छा नहीं है, ये दिस डैट करोगे, तो अगर सुधर गया तो उन लोग का भी रोटी सीख गया पुराने लोग का, और यहाँ यूनियन बाजी नहीं चलता है, ठीक है, ये इंडिया नहीं है, यहाँ यूनियन बाजी ममनू है, यहाँ बैंड है, वो सब कोई यूनियन बाजी नहीं कर सकता, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ही अलाउ नहीं है, ओके, इसलिए यूनियन बाजी सोचना ही मत करने का। अगर वो बोलता है ना खाना पहले अच्छा मिलता था, बोलो ठीक है पहले मिलता था अच्छी बात है, आप जैसा मिल रहा आप भी खा रहे हो हम भी खा रहे हैं, हम यहाँ करके रहाया जाता है, ठीक है। साइड पर भी जाओ तो साइड पर भी बहुत यूनियनबाजी चलता है, वहाँ अपने दिमाग से चला करो, किसी के चढ़ाने बढ़ाने पर झगड़ा मत करो किसी से, दो बात अगर कोई बोल रहा है बर्दाश्त कर लो, ठीक है, झगड़ा मत करो, झगड़ा करोगे तो आप पैक हो जाओगे, ठीक है ना। और साइड पर जाने के लिए आपको 4 बजे भोर में सुबह उठना पड़ेगा, 4 बजे भोर में सुबह आपको उठना पड़ेगा, तब जा करके 5 बजे तक आप फ्रेश हो जाओगे, तो 6 बजे तक साइड पर जाओगे, आधा एक घंटा लगता है साइड पर जाने के लिए, ठीक है ना। इंडिया जैसा नहीं है कि आप 8 बजे 10 बजे सो के उठोगे, मर्जी में आया तो काम पे गए, नहीं मर्जी आया नहीं गए, तो वो सब नहीं चलता है, यहाँ जो है टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है। अगर एक दिन आप छुट्टी करोगे बगैर मेडिकल स्लिप का, आपका 3 दिन का पैसा कटेगा, ओके, ये सब ध्यान रखना। आप जितना मस्ती किए गांव में किए, घर पे किए, यहाँ आ गए हो तो ये सोचो कि अब कमाना है आपको, कमाने के लिए आए हो, जैसे मिलिट्री कैसे होते हैं सुबह 4 बजे उठ के परेड करते दौड़ते नाश्ता पानी करते, वो मिलिट्री से भी ज़्यादा यहाँ वर्क करना पड़ता है, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर कमा रहे हैं ना उनको सैल्यूट है, क्योंकि अपने बाल बच्चों के छोड़ के उनको खुशी के लिए 4 बजे भोर में रात को 9-10 बजे तक ओवर टाइम करके आते, फिर खाना पकाते खाते 10-11 ही बज जाता है उनको, फिर उसके बाद फिर सुबह उनको 4 बजे उठना है, फिर उसके बाद से तैयार होके जल्दी जल्दी फिर बस में बैठना है जाना है साइड पे, ठीक है। ये शहर में जो मैं आपको रहाइश दिखा रहा हूँ ना, रूम वूम के बात कर रहा हूँ, किसके लिए, विजिटर के लिए, जो कंपनियाँ होती है सिटी के अंदर नहीं देता है रहने के लिए, अलाउ नहीं है, क्योंकि सिटी में फैमिली होते हैं, छेड़खानी हो जाएगा बात बढ़ेगा, इसके लिए नहीं रखते वो लोग, वो विजिटरशिप आते हैं तो सिटी में रहेंगे, लेकिन कंपनियां जितनी भी होती है उसका सब रहाइश जो है रेसिडेंशियल जितना भी रहता है कैंप वगैरह रहने के लिए लेबर का, सब वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है, जिसको अरबी में सनैया बोला जाता है, गदीम जदीद सनैया ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो आओगे तो सब समझ जाओगे आप लोग, ठीक है, तो सिटी से दूर ही आप लोग को रहने को मिलेगा। अब कोई कोई आता है तो बोलता है ना, अरे ऑफिस वाला फंसा दिया, एजेंट फंसा दिया, पहाड़ी में भेज दिया, तो रेती में भेज दिया, तो कंपनियां रेती में ही चलता है, शहर में कौन सी कंपनी चलेगी, हाँ कौन सा काम होगा शहर में, बाहर ही को बनता है ना सब, ये जो भी ऑयल एंड गैस का कोई प्रोजेक्ट है चाहे कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट चलता है तो शहर से दूर ही चलता है, सिटी के अंदर नहीं चलता है, सिटी के अंदर बिल्डिंगें बनती है टावर बनती है तो वहाँ भी लोग आते हैं काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन सब तो नहीं आएंगे ना, जितने आएंगे उतना सबको अलग अलग है ना, ठीक है, इसलिए सब बात ध्यान में रखना आप लोग। और काम पे जाओ तो पुराने वाले क्या करते हैं, पुराने वाले जैसे 5 बजे शाम को ड्यूटी ख़त्म होने वाला है फॉर एग्जांपल, तो 15 मिनट पहले ही हाथ पांव धोना चालू कर देते हैं, तो देखा देखी आप लोग भी मत धो, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है पहले से है इंजीनियर कौन है, फोरमैन कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर कब आता है, कभी कभी प्रोजेक्ट मैनेजर अचानक राउंड मारते हैं, चाहे साइड इंजीनियर राउंड मारता है अचानक, 5 बजे छुट्टी होगा ना, 1 मिनट पहले आ जाएगा गाड़ी से और देख लेगा ना कि कौन पहले से हाथ पांव धो के तैयारी किया है,
उसका भी हाजिरी काटते हैं वो लोग, फिर उसका रिकॉर्ड ख़राब होता है, फिर जब काम नहीं रहेगा कंपनियों में तो सबसे पहले लिस्ट बनता है जो देह चोर होते हैं, अपने भाषा में क्या बोलते हैं, देह चोर, काम चोर, उन लोगों का रिकॉर्ड बना रहता है, उनको भेजा जाता है, भाई जाओ ये काम चोर है, इसको निकालो, इसको कंपनी से, ठीक है। इसलिए भले दो मिनट लेट आप लोग नया आओ तो दो मिनट, आठ घंटा ड्यूटी किए, दस घंटा किए तो कोई परेशानी नहीं हुआ आपको, दिल थाम के काम किए तो दो मिनट और रह जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है आपको। दो मिनट लेट अगर आप काम छोड़ोगे तो कंपनियों के नज़र में भी अच्छा रहोगे, कंपनी के भी नज़र में अच्छा रहोगे आप, और प्लस आपको बेनिफिट आगे अच्छा मिलेगा, एक ना एक दिन नज़रों में आपको रहोगे कि हाँ ये बंदा बहुत हार्ड वर्कर है, काम चोर नहीं है, देह चोरी नहीं करता है, तो आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, ठीक है। और कभी भी इधर आओ आप लोग तो रोड कभी भी क्रॉस करो, मेन रोड, तो जब तक रेड ना हो तब तक रोड क्रॉस नहीं करना, नहीं तो गाड़ी रहेगी बहुत लंबा, आपको लगेगा बहुत दूर है, आने में बहुत टाइम लगेगा, उसको सेकंड नहीं लगेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ये सोचते नहीं है, रोड क्रॉस करते हैं, आदत बिगड़ा रहता है ना इंडिया जैसे, कहीं भी चल दो, ये इंडिया नहीं है। और रह गई बात कि यहाँ पे खाना वाना खाने के भी बता दिया, जो शहर में रहेंगे तो सस्ता खाना ढूंढ के खाओ, जो कंपनियों में आते हैं तो अपना बना के खाओ एक साथ में, तो उसमें आपको कम पैसा लगेगा, ठीक है, उसमें आपको कम पैसा लगेगा, ग्रुप में बना के खाओगे तो मिलजुल के खाना बनाना पड़ता है, अब खाना नहीं बनाओगे सिर्फ बातें करोगे तो नहीं खिलाएगा कोई आपको अपने ग्रुप में, ओके। हार्ड वर्कर काम करो, ओवर टाइम करो तो आप सक्सेस हो यहाँ पे, ठीक है। जो इतना सालों से रहते हैं वो अपने बाल बच्चे को छोड़ के किसके लिए रहते हैं, वो अकेला अगर अपना उसको चलाना है, देह चलाना है तो कहीं भी कमा के अपना कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर में आके उसको 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करना रहे, वो कहीं भी इंडिया में भी रह के अपना घर चला सकता है, अपना देह चला सकता है, लेकिन फैमिली के खुशी के लिए वो पूरा अपना खुशी ये कर देते हैं, वो लोग कुर्बान कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर सैल्यूट है, ठीक है। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में वो लोग काम करते हैं सब, और कमा करके अपने बच्चों को खुशी के लिए, फैमिली के खुशी के लिए भेजते हैं सब। तो जो बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे ना, तो जो बाहर में काम करते हैं, तो उनकी बीवियाँ हो या चाहे बच्चे हो, आप लोग ये मत सोचो कि यहाँ आ करके हो, वो भले कितना भी परेशानी उठाता है, बताता नहीं है कि आप लोग को टेंशन होगा, इसलिए नहीं बता रहा है, वो अच्छा अच्छा आपको चीज़ बता रहा है कि हम ठीक से हैं, ये हैं, वो लेकिन कितना तकलीफ़ में है वो नहीं बता रहा है। तो आप लोग इज्जत किया करो अपने जो बाहर जो रहते हैं, बच्चे हों चाहे बीवियाँ हो, क्यों, क्यों कितना तकलीफ़ उठा के आप लोग के लिए वो पैसा कमाते हैं वो लोग, वो अपना खाली अपना देह चलाना रहे तो कहीं भी चला सकता है वो, ठीक है। आप लोग के लिए इतना धूप, ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है जब ठंडी का मौसम रहता है, तो गर्मी के दिन में बहुत गर्मी होता है, फिर भी आप लोग तो वो परेशानी नहीं बताता है, खुशी खुशी से कमा करके आप लोग का शौक पूरा करता है जो भी आप लोग मांगते हो। इसलिए अपने गार्जियन को, अपने पापा को, अपने डैडी को जो कुछ भी बोलते हो उनको खुश रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो आप लोग, ऐसा नहीं कि वो मेहनत कर रहा है आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए और आप लोग पैसा उड़ा रहे हो जाके गलत चीज़ों में, टाइम निकल जाएगा फिर आपको वही करना पड़ेगा, आपको भी धूप में आके काम करना पड़ेगा। बाप तो ये सोच रहा है ना कि कमाएंगे, बच्चा पढ़ेगा तो हमारा काम नहीं करना पड़ेगा, ये कोई साहब बनेगा, कोई अच्छा पोस्ट पर जाएगा, ठीक है। आप पैसा जो भी भेजा कमा के सऊदी से, दुबई से, कहीं से भी, आप वो पैसा पूरा बर्बाद कर रहे हो, तो एक दिन आपको भी परेशानी उठाना है ना, परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए सब ये घूम घूम के सब रहा ही सही है, सब में लोग रहते हैं भाड़े पे, ठीक है, इसमें सब रहते हैं, मतलब अच्छे पोस्ट वाले लोग, अच्छा खासा इसमें रेंट लगता है सब, यहाँ जो भी मिलेगा 5,000-6,000 में एक फ्लैट मिलता है इधर मंथली, यहाँ का 5,000-6,000, इंडिया का हो गया ना, अगर 6,000 हो गया तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब में हो जाएगा, ठीक है। तो जो उतना कमाता होगा वो भरेगा ना, तो हर आदमी नहीं ले पाएगा इधर, ठीक है। ये सब कंपनियों के गाड़ी नहीं है, ये सब जो बिल्डे में रहते हैं ना इधर, ये सब उन्हीं लोग का सब गाड़ी लगा हुआ है इधर, ये पार्किंग है, ठीक है। तो जितने आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोला, बच्चे लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, माँ बाप का जो परेशानी उठा के आप लोगों को जो पैसा भेज रहा है ना, उसका कामयाबी में लाओ पैसा, ये नहीं कि गड्ढे में मत डालो उसको, टाइम गुजर जाएगा,
वो कमा कर थक जाएगा, घर पर आकर बैठेगा, आप भी बेकार हो जाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, फिर घर में लड़ाई झगड़ा यही होता है पैसा नहीं रहने के बाद। पैसा रहेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। किसी के भी फैमिली में पैसा नहीं होने के बावजूद ही झगड़ा चालू होता है। पैसा रहे तो सब लोग खुश रहते हैं, ठीक है, अपना अपना कामों में मस्त हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो झगड़ा की बातें नहीं आता है। जहाँ पैसे का शॉर्टेज पड़ा किसी के घर में तो एक एक इंच झगड़ा करना चालू हो जाएगा, ये ज़मीन मेरा है, जो नहीं कमा के दिया रहेगा वो और दावा ठोकेगा कि ये मेरा इतना हिस्सा है। ये सब हर घर की कहानी है, ठीक है। तो इतना सब बात बताया, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आओगे आप लोग, यहाँ पे जो विजिटर आते हो आप लोग, जो विजिटर आते हो आप लोग, ये देखो यहाँ पे जितनी लाइटें जल रही है ना उधर, वो ये मतलब इतने दूर में कम से कम नहीं होगा तो 1 किलोमीटर के एरिया में 100 होटल रहता है यहाँ पे। होटल्स, बड़े बड़े होटल जो होते हैं ना, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, 1 किलोमीटर के अंदर में 100 होटल है। होटलों का बिजनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर तरह के धंधा चलता है, 2 नंबर 3 नंबर हर धंधा चलता है। ये सबसे बचना आप लोग, ठीक है, ये सब के कामों में नहीं पड़ने का आपको, ये सब के काम में नहीं पड़ना आप लोगों को। यहाँ आओगे बेड स्पेस मिलेगा, मतलब एक रूम में 10 आदमी 8 आदमी जो रहते हैं ना, 4 आदमी रहते हैं ना बेड स्पेस पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें लड़कियाँ भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं, ठीक है, लड़कियाँ भी रहती है, लड़के भी रहते हैं, तो आपको उसके साथ कुछ घुलना मिलना नहीं है। घुलोगे मिलोगे तो क्या होगा, आपसे यारी दोस्ती कर लेगी और अपना रेंट अपना खर्च पूरा आपसे भरवाना चालू कर देगी। अब आप आए हो खुद जॉब सर्च करने के लिए और आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा उसके पीछे, फिर आप क्या करोगे, भीख मांगोगे फिर? ये इसलिए सबके चक्कर में रहना नहीं, ठीक है। और जो सेटल हो भी गए हैं यहाँ पे, जो कमा रहे हैं यहाँ पे पहले से, तो बहुत लोग बना के रखते हैं, अपना गर्लफ्रेंड बना के रखे हैं, कमा रहे हैं, उसके पीछे लुटा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े को मैं देखता हूँ, बूढ़े बूढ़े लोगों को देखता हूँ। कल भी मैं होटल में खाना खाने बैठा था तो एक बूढ़े थे, दाढ़ी रखे थे, चाँप दाढ़ी, एज होगा उनका तकरीबन 70 से कम नहीं होगा, और तकरीबन 23 साल 24 साल की एक लड़की को लेकर के गर्लफ्रेंड बना के उसको होटल में लाए थे खाना खिलाने के लिए। सब लोग वही देख रहे थे उनको, मैं भी देख रहा था। तो ये आम बात है यहाँ पे, जिसके पास पैसा है तो यहाँ लड़कियाँ पीछे खुद आती है, आपको उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टिप टाप से रहते हो, साफ सुथरा हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ आप पैसा कमाने वाले हो, तो खुद आपको ऑफर देगी आगे से। जिस रूम में रहोगे उसमें भी मिल सकती है, जिस फ्लैट में रहते हैं उधर भी मिल जाएगी, लेकिन आपको उससे दूर रहना है। अगर उसके पीछे पड़े तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। मैं इसलिए खोल खोल के बता रहा हूँ, शर्माने की बात नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि अचानक ये सब आपके सामने आए तो आपको वीडियो देखे रहोगे तो याद रहेगा, अरे बताया था उसने, अगर मैं इससे दोस्ती बढ़ाऊँगा तो मेरा सब काम खराब भी होगा और पैसा भी बर्बाद होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग, ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूँ ना इसको रिपीट करके सुनो एक बार दो बार, ये हमेशा के लिए काम आने वाला है आपको, ठीक है, हमेशा काम आएगा आपको। ये नहीं कि इसको मनोरंजन के लिए मत सुनो, ये एक गाइड वीडियो है, गाइड करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। अब इससे आपको अच्छाई लेना है तो लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं, देखो समझो तो इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो देखे और छोड़ दिए तो आपको फिर कभी आओगे फंसोगे, उस टाइम समझ में आएगा कि मैंने कितना गलत किया, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी भी यहाँ लड़कियों के चक्कर में नहीं रहना आपको। थाईलैंड फेल है यहाँ पे दुबई में, ठीक है, आप लोग देखते हो ना वीडियो में, थाईलैंड में ये लड़कियाँ मिलती, वो लड़कियाँ मिलती, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ मिलती है, कई गुना, और हर कंट्री के लड़कियाँ यहाँ आती है धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, वो आ रही है। मजबूरी क्या है, काम भी करना चाहे तो करना चाहिए उसको, लेकिन उसको इसमें क्या है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए वो ये काम कर रही है आके। यहाँ पर मोरक्को की लड़कियाँ आती है, मोरक्को एक अरब कंट्री में आता है ना आगे, वो वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत लड़कियाँ मोरक्को के होती है, मिस्र का होती है, कहाँ कहाँ के लड़कियाँ यहाँ आपको मिलेगी, देखोगे तो आप पगला जाओगे, फिर पीछे पड़ जाओगे, फिर पैसा बर्बाद करोगे, सैलरी बर्बाद करोगे, होटलों में जाओगे डांस देखोगे, यहाँ हर होटलों में यहाँ डांस होता है, ठीक है।
तो सिर्फ डांस वोस के चक्कर में नहीं पड़ने का, दारू वारू के चक्कर में नहीं रहने का, ठीक है ना। जैसे मछलियाँ जैसे समुंदर में रहती है, तो बड़े बड़े मछलियाँ से छोटे मछलियाँ बच बच के चलती है, उस तरह आपको यहाँ बच बच के चलना है। हर यहाँ वैसा ही मगरमच्छ के तरह लोग हैं, आंसू दिखाएंगे अलग, आपका पॉकेट खाली करा देंगे वो लोग, फंसा देंगे आपको, ठीक है ना। सोच समझ के चलना है, किसी के बातों में नहीं आना है, ठीक है। खास करके कोई लड़कियों से आपको गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाना है यहाँ पे। आप आए हो कमाने के लिए कि गर्लफ्रेंड बनाने आए हो आप यहाँ? गर्लफ्रेंड बनाओगे तो हर चीज़ आपसे लेगी, रूम रेंट आपसे लेगी, पॉकेट खर्चा आपसे लेगी, शॉपिंग आपसे कराएगी, तो आप कमाओगे कितना कि उसका सब पूरा करोगे, तो आपका तो सब पैसा चला जाएगा। फिर घर क्या बोलोगे, सैलरी कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी इतना महीने से नहीं दे पा रही है, कुछ ना कुछ बहाना करोगे। आपके घर के लोग भूखे मरेंगे, बच्चे तरसेंगे। यहाँ हम देखते हैं गुस्सा आता है इतना कि एक तबड़ाक लगा दूँ उसके मुंह पे। यहाँ देखता हूँ ऐसे ऐसे लड़कियों के आगे वो लोग मतलब खर्चा करते हैं वो लोग, तो दिल में तो ऐसा आता है कि मैं बोलूँ कि घर में तो कॉल वॉल करके पूछो ना कि बच्चे कई दिन से दूध वूध पिए कि नहीं पिए, खाना खाए ठीक से कि नहीं खाए। यहाँ तुम लड़कियों के पीछे गुलाब दे रहे हो, 100 दरहम का गुलाब देते हैं लोग, 100 दरहम का गुलाब उसके हाथ में थमाते हैं, फिर केक खरीदते हैं 250-300 का, क्या क्या देते हैं उसको जन्मदिन पे, क्या क्या करते हैं। वो पैसा अगर तुम अपने बच्चों में भेजोगे तो स्कूल फीस जाएगा या कोई काम में आएगा, और उसके लुकआउट से तो लगता है कि होगा वो कुछ करता होगा, मजदूरी वगैरह 1000-2000 कमाता होगा, कर्जा कर लेता होगा और गुलाब देता है लड़कियों को। दिल तो घूमता है बहुत कि एक तबड़ा मुंह के ऊपर मारे, फिर वो पूछे ना क्यों मारा तो बोलने का साला ये कर क्या रहा है तू इधर। लेकिन फिर आदमी सोचता है कितना आदमी क्या करेगा, झगड़ा झंझट करना भी सही नहीं है ना, यहाँ झगड़ा करना ममनू है, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है। अगर आप झगड़ा किए, अगर किसी का खून निकल गया, ब्लड निकल गया, आपको जेल हो जाएगा। इसलिए आप लोग आओ तो झगड़ा झंझट पर ध्यान मत दो। गुस्सा तो आता है आदमी को, हर चीज़ पे देख के बुरा चीज़ देख के आता है गुस्सा, लेकिन बर्दाश्त करो, जो जो करना कर रहा है उसको करने दो। वो लुटा रहा है, वो अपना पैंट खोल के घूम रहा है, घूमने दो उसको, आप लोग बस सही रहो बस, ठीक है। यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम का टाइम नहीं, काफ़ी सालों से मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक एक चीज़ देख करके मेरे माइंड में है, इसलिए ये सब चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये कोई मत सोचना और मत बोलना कि बहुत स्मार्ट बन रहा है, बहुत ही ये बता रहा है, ये कौन बोलेगा, जिसका पोल खोल रहा हूँ इसमें, जिसका पोल खोल रहा हूँ ना, अब उसका दुकान बंद होगा, दुकान बंद होगा। जो देख लोगे आप मेरा वीडियो, तो बनावटी बात तो नहीं बोला हूँ, एकदम ओरिजिनल बोला हूँ, उसका दुकान बंद होगा। और जो हमको जानता होगा पर्सनली, अरे तो वही है और सबको भड़का रहा है, ये कर रहा, भड़का नहीं रहा हूँ, सेफ कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चाहे जो नहीं भी जानता होगा हमको और वो वीडियो में देखेगा, तो अब वो मेरे को उल्टा पुल्टा ही बोलेगा, वो बोलने दो, कोई बात नहीं है, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। जो मर्द होगा सामने आके बोलेगा, फिर दिखाऊंगा क्या करना है उसको। जो पर्सनली मेरे को जानता है उसको पता भी है कि मैं दावा कैसे करता हूँ, पीठ पीछे से तो दुनिया को क्या क्या बोलती है लोग। जो मर्द रहेगा सामने बात करेगा, फिर दिखाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, और कहाँ मैंने गलत बोला कि उसको बुरा लगा। अभी तो पूरा छुपा छुपा के ही बोल रहा हूँ, नहीं तो क्या क्या होता है यहाँ पे वो पूरा खोल दूँ तो फिर लोग आना ही छोड़ देंगे इधर। लेकिन फिर भी जितना बोला हूँ हकीकत बोला हूँ, आप लोग कभी भी ये एजेंटों के चक्कर में नहीं आने का। जॉब दिलाने वाला हो, चाहे वो गोल्ड वाला हो, या आपको बोल रहा है कि चलो मैं आपको टिकट दिलवा दे रहा हूँ चले जाओ, फंस गए हो तुमको मैं निकलवा देता हूँ यहाँ से, सिंपैथी दिखाएगा और ले जाकर फंसा देगा आपको, ठीक है। इसलिए आप लोग उनके चक्कर में नहीं आना है, ओके। चलिए, बहुत वीडियो बड़ा हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बताएंगे आप लोग और भी अच्छा जो भी हमको समझ में आएगा, जो बताने से किसी को अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी भी कोई भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है। और रहा बात कि हर आदमी सही हर आदमी गलत नहीं है, पहचान करके आपको कदम आगे बढ़ाना है, मेरा कहने का मतलब ये है। बगैर एजेंट का आपको काम भी नहीं मिलेगा,
लेकिन वो एजेंट से पहले आपको बात करना पड़ेगा कि भाई मैं पैसा आपको उसी टाइम दूंगा जब जॉब पर लगूंगा या ऑफर लेटर आप मेरे को हेड ऑफिस में दिलाओ चल के, फिर दूंगा। नहीं तो लोग बोलते हैं मैं आपको ऑफर लेटर लाऊंगा 1500 जो फीस मांगते हैं 1500-2000 दरहम यहाँ का तुम दे देना। आप बोलोगे हाँ हाँ ऑफर लेटर दो मैं देता हूँ, वो कुछ भी बना के ला के कंप्यूटर से बना के ला के दे देगा, आपको जॉब नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ जेन्युइन भी एजेंट होते हैं, ये जरूर नहीं है कि सब डुप्लीकेट ही हैं। 100 में 5 ही मिलेंगे जेन्युइन ओरिजिनल, नहीं तो 95 मिलेंगे सब वही फेंक बना के देने वाले फंसाने वाले। उनका रोजी रोटी वही है ना, उनको अल्लाह से डर है ना भगवान से डर है ना किसी से डर है उनको, इसीलिए उनका औलाद जो है लंगले लुल्ले फुल्ले सब होते हैं सब। यही ज़िंदगी में सबको देखने को मिलता है, जो गलत करता है उसकी औलाद पर सब पड़ता है। ठीक है, ये सबसे डरना चाहिए। पैसा कमाने के 50 तरीका है, कमाओ ढंग से कमाओ, ये नहीं कि किसी को गुमराह करके पागल बना के चुतिया बना के वो कहाँ से पैसा लाया कहाँ से नहीं उसको तुम ढकेल दिए जहन्नम में, खुद पैसा ले लिए फिर बियर बार में जाके उड़ाते हैं साले ये, फिर फूल देते हैं वहाँ ले जाके दलाली करते हैं वहाँ जाकर लड़कियों को फूल देते हैं, ऐसे ऐसे फूल और ऐसे लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। ओके, चलिए आप लोगों को पसंद आया वो वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचे, और कोई एक दूसरे को शेयर करेगा तो फ़ायदा पहुँचेगा और बचेगा यानी फंसने से कोई भी। ठीक है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू आप सबको।